जन समर्थन तो दिखाई नहीं दिया है, लेकिन इसका असर तो जाएगा। अगर आज हम काम करते रहते हैं तो ये खाली थोड़े ना होता, ये भरा हुआ होता। नहीं है, आज सारे बहुजनों के दिलों में आग लग चुकी है कि बहुजन राज लाया जाए, कि नीतीश कुमार जी जैसा नेतृत्व तो हमें केंद्र में भी चाहिए। और 2024 में बहुजनों की सरकार बनेगी और वो सरकार जाति जनगणना कराएगी। छलावे से वो बनाई गई सरकार है, हमारी सरकार नहीं है। हमारे लोगों ने विश्वास किया, लेकिन उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया। जातिगत जनगणना की हमारी मांग है, सरकार नहीं कराना चाहती। इस देश के अंदर ईवीएम बैन होनी चाहिए, बैल पेपर से चुनाव होने चाहिए। शिक्षा का, जिस समाज का, जिस वर्ग का बजट घटा दिया जाता है और वो समाज सोया, तो आवाज क्यों नहीं उठाते आप लोग? नहीं, कि आप सचेत हो जाइए। ये पंडे पुजारियों के चक्कर में अगर आप रहोगे तो आपका बेड़ा गर्क होना संभाविक है। वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर हम सभी एक हो जाए तो बहुत कुछ करा जा सकता है, और आने वाले टाइम में हमें होना पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया, और मैं रामलीला मैदान में मौजूद हूं। यहां पर ओबीसी महाकुंभ चल रहा था और इस ओबीसी महाकुंभ को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे बहुजन समाज में, कि दिल्ली में बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि यहां पर करोड़ों लाखों में लोग होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तमाम कुर्सियाँ यहाँ पर खाली रहीं। लोगों से बात करेंगे, आखिर अभी तक ये चीज़ें हो क्यों नहीं पा रही हैं। लगातार आपने देखा होगा मिशन मूवमेंट चल रहा है, अम्बेडकर की बात चल रही है, लेकिन उसके बाद भी जो ओबीसी वर्ग है वो अभी भी क्यों पिछड़ा हुआ है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, बुक सेल हो रही है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर हैं हमारे से सर, हैं क्या नाम है सर आपका? आरसी कश्यप। कहाँ से हैं सर? मैं तो वैसे यूपी से हूँ, लेकिन 35-40 साल से दिल्ली में ही रहा। अच्छा सर, अभी जो आपने देखा है, अभी ओबीसी महाकुंभ जो न्याय अधिकार महासम्मेलन ही चल रहा है, उस तरीके से स्ट्रेंथ नहीं आई है? स्ट्रेंथ इसलिए हो सकता है कि पूरी तरह से पब्लिसिटी ना हुआ हो, कुछ लोगों को पता ही नहीं हो, एक तो रीज़न ये है। दूसरी जो है जागरूकता की कमी है। अभी तक यहाँ पे देखा जाए तो 60+ के लोग ज़्यादा करके आए हुए हैं। स्मार्टफोन के ज़माने में आप बोल रहे हैं जागरूकता की बात, लोग कितना कुछ तो यूट्यूब और उससे ढूंढ लेते हैं। नहीं, वो बहुत से लोग ऐसा है कि यूट्यूब वगैरह पर देख करके वहीं सेटिस्फाइड हो जाते हैं, वो जो सोचते हैं वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, यहीं से सारी जानकारी हो गई। क्या कहना चाहेंगे सर, ये जो ओबीसी महाकुंभ अभी यहाँ पर हुआ, उस तरीके का यहाँ पर दिखा नहीं जन समर्थन लोगों का? जन समर्थन तो दिखाई नहीं दिया है, लेकिन इसका असर तो जाएगा, क्योंकि YouTube पर जो लोग देखेंगे इसको, जितने भी वक्त सोशल मीडिया तो अपना काम कर रही है, लेकिन जो लोग घरों में बैठे हुए, उनके लिए तो सोशल मीडिया काम करेगा ना, जो घर पर बैठे हैं, और जब वो देखें तो सर वो समाज के लिए थोड़ा सा सोचेंगे इसके बारे में। ठीक है, कुछ और लोग हैं, उनसे भी जाने की कोशिश करेंगे। देखिए ऐसे में सर है मेरे साथ, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुभाष कुमार है। सुभाष जी कहाँ से? सुभाष जी मैं दिल्ली से, और इंसाफ संगठन है सामाजिक, उसमें मैं काम करता हूँ। तो सुभाष जी, आज आपने देखा है किस तरीके के हालात हुए हैं इस प्रोग्राम की, कोई मैं नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहता हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो भी बहुजन समाज के सामने आनी चाहिए, तो क्या कहेंगे इस तरीके का जन समर्थन आज इस प्रोग्राम को नहीं मिला? कारण यह है कि सर जो पढ़ा लिखा आदमी है ना, जो नौकरी में आया और जिसने सबसे ज़्यादा फायदा उठाया, उसकी जिम्मेदारी थी कि समाज में काम करना, लेकिन उस वर्ग ने काम नहीं किया जिसका, क्योंकि बाबा साहब का कथन सत्य होगा, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा नहीं। वो तो बिल्कुल बात ठीक है, 100% सही है, आज भी नहीं कर रहे हैं। अगर आज हम काम करते रहते हैं तो ये खाली थोड़े ना होता, ये भरा हुआ होता। तो हमारा अभी हमारा पेट बढ़ गया है, चमड़ी मोटी हो गई है, टीवी भी मस्त में, एक कमरे से दो कमरे, एक छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी, हम उसमें लगे हुए हैं जो सामाजिक दायित्व है। तो बाबा साहब का जो मिशन था वो कैसे पूरा होगा? आखिर काशीराम जी ने तो रोते रहते किताब बंद कर दी थी कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, काशीराम करेगा पूरा, काशीराम भी चले गए। देखो, देयर इज नो शॉर्टकट मेथड, इसके लिए हमको गली गली मोहल्ले में जाना पड़ेगा, लोगों में पब्लिक ओपिनियन बनानी पड़ेगी, और जब लोग आप पब्लिक ओपिनियन बना पाएंगे, लोगों को सड़कों पर ले पाएंगे, लोगों को जागरूक, सुभाष जी का कहना है लोगों को जागृत करना पड़ेगा। ऐसे में कुछ और लोग भी हैं जी, कहाँ से हैं? हम आसाम से हैं। आसाम से हैं, क्या नाम है? बुद्धिनाथ प्रजापति। बुद्धिनाथ जी, आज के प्रोग्राम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बस भारत के सारे बहुजन अब जग रहे हैं। कितना जग रहे हैं सर? कुलसिया तो खाली पड़ी थी। देखिए ऐसा है कि हमारा जो बहुजन समाज है वो श्रमिक समाज है, मजदूर समाज है, मेहनत करने वाला समाज है, और आज काम का दिन है,
खैर बात वो नहीं है, आज सारे बहुजनों के दिलों में आग लग चुकी है कि बहुजन राज लाया जाए और उसी की क्या करेंगे सर, कैसे लेकर आएंगे? आप जातिगत जनगणना की बात करते हैं, वो लोग आपकी बात नहीं सुनते। वो लोग हमारी बात क्यों सुनेंगे, हम अपनी सत्ता लाएंगे और अपना जाति जनगणना कैसे लाएंगे? नीतीश कुमार जी, जो बहुजन सरकार बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज चल रही है और वो सरकार जाति एक 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 स्टेट के मुख्यमंत्री से सरकार लेंगे। अब वही एक एग्जाम्पल, वही उदाहरण पूरे भारत के लिए है कि नीतीश कुमार जी जैसा नेतृत्व तो हमें केंद्र में भी चाहिए और 2024 में बहुजनों की सरकार बनेगी और वो सरकार जाति जनगणना कराएगी और शोषित वंचित एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के दुख दर्द को 85% है आप लोग, फिर भी सरकार आप लोगों की बात नहीं सुन रही है। सरकार क्यों बात सुनेगी, वो सरकार मनुवादियों की सरकार है। आपकी सरकार नहीं, हमारी संविधानिक है, नहीं है हमारी सरकार नहीं। भाई देश में संविधान चल रहा है, मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, छलावे से वो बनाई गई सरकार है, हमारी सरकार नहीं है। हमारे लोगों ने विश्वास किया लेकिन उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया। ओबीसी है प्रधानमंत्री, वो ओबीसी नहीं है, वे मनुवादियों की पार्टी से है, वे मनुवादियों के एजेंडे को चलाते हैं, वे शोषणकारी लोगों के एजेंडे को चलाते हैं। हमारे जो शोषित वर्ग के जो लोग हैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के, उनके उन लोगों के आकांक्षाओं के अनुरूप वो सरकार नहीं चला रहे हैं। चलिए ठीक है, कुछ और लोग भी, उनसे भी जाने कोशिश करते थे कि तमाम लोग आए हुए हैं यहाँ पर। ओबीसी महाकुंभ में क्या कहेंगे सरकार, आज जो है यहाँ पर कुर्सियाँ खाली क्यों रह गई? देखिए, कुर्सियाँ खाली का सवाल नहीं है, सवाल एक्चुअली में ये है कि पूरे हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के जो एक्टिविस्ट लोग थे, जो अपनी ताकत को समाज के अंदर एनर्जी देने का जो काम करते हैं, समाज को जो जगाने का जो काम करते हैं, वो लोग दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर इस सरकार को ललकारने के लिए आए हैं और इस सरकार को बताने के लिए आए हैं, या तो समय रहते 24 से पहले सुधर जाइए आप, अन्यथा तुम्हारे हलक में हाथ दे करके सत्ता छीनेंगे। जातिगत जनगणना की हमारी मांग है, सरकार नहीं कराना चाहती। इस देश के अंदर ईवीएम बैन होनी चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, कोई हम इनसे कुछ और नहीं मांग रहे हैं। तो सरकार तो आपकी बात नहीं सुन रही है ना, जातिगत जनगणना पे नहीं सुन रही, जब इकट्ठे हो रहे हम और ईवीएम पे लगातार वो बुला रही है तमाम पार्टियों को, तमाम पार्टियों के लोग। ये राजनीतिक पार्टियों का विषय नहीं है, ये आम जनता का विषय है, आम जनता है हम लोग। हम कह रहे हैं ईवीएम से हमारे को 100% डाउट है कि हम जिसको वोट करते हैं वो वोट वहाँ नहीं जाता। ये जनता का विषय, किसी राजनीतिक पार्टी का दल का काम नहीं है, ये जनता रोडों पे है। कहाँ रोडों पे सर? क्यों कहाँ नहीं है रोडों पे, बताइए दूसरा। हर जगह पे, क्या इस देश के अंदर अभी पीछे रविदास मंदिर तोड़ा गया था, जनता रोड पे नहीं थी? एससी एक्ट के ऊपर हमला किया, रोड पे नहीं थी? क्या किन किन मुद्दों के ऊपर आए बीजेपी? सुन लीजिए, बीजेपी सरकार ने जो वर्तमान में जो हालात है वो पैदा कर दी कि हम लोगों को धर्म से इतना जोड़ दिया गया है कि आने वाली पीढ़ी क्या हम ही लोग ताकत के साथ तर्क ना कर सकें। क्या कहेंगे, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, बांटने की बात नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम बांटने की बात, लोग तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। मोहन भागवत ने कहा था जातियां ब्राह्मणों ने बनाई, और हम जातियों में बांटे हुए लोग, बांटे गए लोग हैं, बटे नहीं हैं, बांटे गए हैं। हम तो सीधा सीधा एक ही है, जितना 100% रिजर्वेशन है, जिनका अधिकार है, सबको जितनी जितनी संख्या भारी है उनको उतना उतना मिलना चाहिए। हमारे को तो आज तक जो है स्कूल कॉलेज में नहीं पहुँचे हम लोग, हमने तो ये नहीं पता दिल्ली यूनिवर्सिटी का दरवाज़ा कौन सी साइड है, हमारे को तो ये नहीं पता है कि इस देश के अंदर जो शिक्षा किस कितने कितने प्रकार की है। तो हमारा तो हर जगह से, चाहे ये सरकार हो चाहे पिछली सरकार हो, चाहे तो राजनीतिक के अंदर ओबीसी का कोई हिस्सेदारी नहीं है, चाहे आप लोकसभा में विधानसभा में देख लो, और चाहे आप आ जाओ जिला परिषद ब्लॉक समिति में, शिक्षा का जिस समाज का जिस वर्ग का बजट घटा दिया जाता है और वो समाज सोया। तो आवाज़ क्यों नहीं उठाते आप लोग? नहीं, आवाज़ उठा रहे हैं, रामलीला मैदान में हम यहाँ आवाज़ उठाने के लिए आए हैं, और आपके माध्यम से तमाम जो इस देश के कोने कोने में जो लोग हैं उनको ये बताने के लिए आए हैं कि आप सचेत हो जाइए। ये पंडे पुजारियों के चक्कर में अगर आप रहोगे तो आपका बेड़ा गर्क होना संभाविक है। इस देश के अंदर ब्राह्मण बणियों की ताकत के साथ वो अपने बिजनेस को, कारोबार को बढ़ा रहे हैं, आपको अपने हकों के लिए लड़ना पड़ेगा, इस देश के संविधान को समझना पड़ेगा। जी, कुछ और लोग भी हैं। जी जी,
क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के लिए? नहीं, आज संख्या वैसे कम रही है, इसमें कोई शक नहीं। कई कारण हो सकते हैं इसके। एक तो कारण यह है कि जैसे शनिवार को बहुत सारे लोगों की छुट्टी होती है, शनिवार को बहुत सारे लोगों की छुट्टी होती है, शुक्रवार को नहीं होती, बहुत सारे लोग ज़्यादातर कहीं ना कहीं एक ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि छुट्टी के वजह से जो है ऐसा हुआ है। मेरा नाम शशि राज है जी, और सरवारा विकास मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या कहेंगे सचिव जी, आज का जो प्रोग्राम है क्या लग रहा है आपको? बहुजन जाग रहा है या सो रहा है? यहाँ आके भीड़ देख के तो लग रहा है कि अभी भी बहुजन सोया हुआ है, लेकिन मंच पे जो बातें सुनी है उसमें से बहुत से लोगों की बातें बहुत अच्छी हैं, अगर उस पर अमल किया जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या लग रहा है हालात देखकर आपको कि 2024 में लोग बोल रहे हैं कि दलित प्रधानमंत्री होना चाहिए, लेकिन ये भीड़ देखकर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा? मुझे आपको क्या लग रहा है, एक विधायक भी जीतेगा? मुझे तो यही लगता है कि यहाँ पे भीड़ बहुत कम है, लोग इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे हैं। वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर हम सभी एक हो जाएं तो बहुत कुछ करा जा सकता है, और आने वाले टाइम में हमें होना पड़ेगा। कहते हैं ना कि अभी कैसे भी कह रहे टाइम कम है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अभी भी समय है, अभी भी हम जाग जाएंगे तो बहुत कुछ बचा सकते हैं। अभी हम जाग जाएंगे तो बहुत कुछ बचा सकेंगे, ऐसे तमाम लोग इस रामलीला मैदान में मिले, और आपने देखा जिस तरीके से ये जो खाली कुर्सियों पर लोगों ने अपने वक्तव्य दिए हैं। हो सकता है आज शुक्रवार का दिन है, क्योंकि ये सर्वहारा वर्ग है और श्रमिक वर्ग है, ये काम करने वाला वर्ग है, तो हो सकता है कल सैटरडे है, छुट्टी हो, तो रामलीला मैदान की तमाम कुर्सियां भी भर जाएं। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।